अब बात करते हैं इसके लेआउट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसे रखना कैसे है। तो अगर आप टेबल पे इसको रखते हैं या होल्ड करते हैं, दोनों में से कुछ भी अगर आप करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो ब्रेल डिस्प्ले है, ऑर्बिट रीडर 20 का ब्रेल डिस्प्ले है, वो आपकी साइड रहेगा या नीचे की साइड रहेगा, ठीक है। और बटन जो है वो ऊपर की साइड रहेंगे। और अब हम बात करते हैं इसके बटन्स की, कौन सा बटन इसका कहाँ है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जो है अपने लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड में टॉप पे एक छोटा सा बटन है, ठीक है, ये इसका पावर ऑन ऑफ और स्टैंड बाई मोड पे करने का बटन है ये। उसके बाद में हम राइट साइड में, वहाँ से जस्ट राइट साइड में देखते हैं तो वहाँ पे हमें SD कार्ड मिलता है। SD कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसी के जस्ट पास में इसमें USB पोर्ट मिलेगा आपको, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं USB पोर्ट के द्वारा ही, और आप इसे अपने कंप्यूटर से या अपने PC से कनेक्ट भी कर सकते हैं। फिर ब्रेलर की तरह उसी तरह से इसमें 6 बटन्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड है उसकी इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर, और आपके राइट साइड की भी इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर जो है वो इन बटन्स पे रखेंगे आप। तो उसी तरह से 1, 2, 3 और 4, 5, 6 डॉट होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें एक सर्कल है बटन, जैसे आपने देखा होगा रिमोट्स वगैरह होंगे आपके, जैसे अगर आपने TV के रिमोट्स वगैरह देखे हो, तो उसी तरह से इसमें भी रिमोट टाइप एक गोल सर्कल में मतलब बटन है, जिसमें अप एंड डाउन एरो एंड लेफ्ट एंड राइट एरो है, और उसी के बीच में सेलेक्ट बटन है। उसी के जस्ट नीचे जो डाउन एरो है, उसी के जस्ट नीचे एक लंबा सा बटन है जिसे स्पेस बार कहते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में जो है वो बटन 7 है, और राइट साइड में जो है वो बटन 8 है। जब ये बटन पूरे हो जाते हैं, इसी के नीचे हम देखेंगे तो वहाँ पे ब्रेल डिस्प्ले आपको नज़र आएगा। अब उसकी खासियत क्या है कि ये 8 डॉट्स पे जो है इसे बनाया गया है, इसमें 8 डॉट्स जो है फार्मूला वो काम में लिया गया है, और ये जो है वो 20 सेल्स हैं इसमें, और डॉट की सहायता से इन्हें 5-5 के अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 20। उसके बाद में इसके दोनों साइड जो है वो आपको पैनिंग कीज नज़र आएंगी, और दोनों साइड पैनिंग कीज देने का रीज़न ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड से ब्रेल पढ़ते हैं तो आप राइट से नेविगेट कर सकते हैं, और अगर आप राइट हैंड से ब्रेल पढ़ते हैं तो लेफ्ट से नेविगेट कर सकते हैं।